जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक उपाय बताने जा रहा हूं कि इस उपाय से यदि आपके पास में धन नहीं टिकता है या आप पैसा कमाने का प्रयत्न करते हैं और आपके पास में पैसा नहीं आता है, आपका कामकाज व्यवस्थित नहीं चलता है या आपका खुद का मकान नहीं है, आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं इसके बावजूद आप अपना खुद का मकान नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का एक ही कारण होता है कि आपका जो मंगल है वो कमज़ोर होता है। जब भी किसी व्यक्ति का मंगल कमज़ोर होता है तो ऐसा व्यक्ति खुद का घर नहीं कर पाता है, और जब जब ऐसा व्यक्ति खुद का घर करने के लिए प्रयत्न करता है तो ऐसे व्यक्ति के पास में से धन की हानि होने लग जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका मंगल कमज़ोर है, आप पर प्रसन्न नहीं है या उतना मजबूत नहीं है, तो आप जब भी अपना खुद का मकान लेने का प्लानिंग करेंगे आपके पास में पैसा कम होने लग जाएगा। आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, आप चाहे कितना ही धन कमाते हो, लेकिन जैसे ही आप घर के मकान के लिए प्लानिंग करेंगे आपकी इनकम रुक जाएगी, आपके पास में पैसा आना रुक जाएगा, या पैसा आएगा तो भी वो इस तरह से अपना रास्ता बना लेगा कि आपके पास में इतना पैसा नहीं आप जुटा पाएंगे कि आप खुद का मकान कर सकें। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके जो कामकाज होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं, आपके कामकाज या तो रुक जाते हैं, आपकी नौकरी या तो छूट जाती है या आपको उसमें नुकसान होने लग जाता है। आपके कमज़ोर मंगल के वजह से आपकी धन की हानि होने लग जाती है। तो आज मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ कि इस उपाय से आपके मंगल मजबूत होगा, आपके पास में पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ कि आपको मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। किसी भी मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं, बड़ा ही आसान उपाय है, कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इसको कर सकता है और अपने जीवन में आए हुए धन की कमी को भी पूरी कर सकता है। साथ ही साथ यदि वो खुद का मकान लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, तो उसका सपना भी वो पूरा करना चाहता है। यदि आप भी इसी तरह के उपाय में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं आपको बता रहा था वह उपाय के जिससे यदि आप धन के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं या आपका खुद का मकान नहीं है, तो इन सभी का कारण एक होता है कि जो आपका मंगल है वो कमज़ोर है, वो मजबूत नहीं है। तो यदि आप मंगल का कोई उपाय करते हैं, मंगलवार के दिन मंगल का कोई उपाय करते हैं, तो इससे मंगल प्रसन्न होता है, आपका मंगल मजबूत होता है और इन सब के चलते आपके पास में पैसा आना प्रारंभ हो जाता है, वो पैसा आपके पास में धन का संचय होना भी प्रारंभ हो जाता है, आपके पास में पैसा बचने लगता है। अब उस पैसे से यदि आप चाहेंगे तो खुद का मकान कर पाएंगे। इससे पहले क्या होता था कि यदि आप पैसा जुटा भी लेते थे, लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मंगल कमज़ोर है, वह व्यक्ति यदि खुद का मकान लेने का प्रयत्न करता है और यदि उसके पास में पैसा है, फिर भी मंगल कमज़ोर होने के कारण इस तरह की घटनाएं घटने लग जाती हैं, तो उस व्यक्ति का पैसा कहीं और खर्च होने लग जाता है या कुछ भी उस पैसे के साथ में ऐसा हो जाता है कि जिससे उसकी वह जमा पूंजी खुद के मकान लेने में खर्च व्यक्ति नहीं कर पाता है, फिर उसके पास में पैसा खत्म हो जाता है। ये सारी ही घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि व्यक्ति का मंगल कमज़ोर होता है। तो आज मैं आपको मंगल को मजबूत करने का उपाय बताने वाला हूँ, मंगल को प्रसन्न करने का एक उपाय बताने वाला हूँ कि जिससे आपका मंगल मजबूत होगा, प्रसन्न होगा, मंगल की कृपा आप पर उतरेगी और आप बहुत जल्द अपने खुद का घर कर पाएंगे। यदि मंगल कमज़ोर होने के कारण आपके पास में धन की कमी रहती है, धन का अभाव रहता है या कर्ज हो गया है, तो इस उपाय से वह भी आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो मंगलवार के दिन आपको क्या करना है कि पीपल का जो पेड़ आता है उसका पत्ता जो आता है, पान जो आता है, पीपल के पेड़ का जो पत्ता आता है, उसको आपको उसके डंठल के समेत ले लेना है और ये देखना है कि वो कटा फटा ना हो, किस तरह का हो। अब इस जो पीपल का पत्ता है इसमें सीधी साइड पे आपको ओम नमो हनुमते नमः, ओम नमो हनुमते नमः, ये जो केसरी रंग का सिंदूर आता है, केसरी रंग के सिंदूर से आपको लिखना है ओम नमो हनुमते नमः। इस मंत्र को आपको पीपल के पत्ते पर 9 दफे लिख देना है।
लिखने के लिए आप किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अगरबत्ती की तिल्ली की लकड़ी है उसका प्रयोग करें, मोरपंख का प्रयोग करें, किसी भी चीज का आप प्रयोग करके लिख लें। ओम नमो हनुमते नमः, पीपल के पत्ते पर आपको लिखना है ओम नमो हनुमते नमः। मंगलवार के दिन आपको इसको लिखना है। इसके बाद में यदि आपके घर में हनुमान जी की तस्वीर है तो उसके सामने इस पत्ते को आपको रख देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप इस तरह से प्रयत्न करते हैं लेकिन आपका मकान नहीं हो पा रहा है, ये आपको प्रार्थना करनी है और हनुमान जी के चरणों में रख देना है कि बहुत जल्द आप अपने खुद का घर कर सकें। ये प्रार्थना करनी, और इसके बीच में जो कोई भी तकलीफ आती है उस विघ्न बाधा को दूर करें। अब कोई भी व्यक्ति यदि हनुमान जी का उपाय करता है, हनुमान जी को प्रसन्न करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति का मंगल कभी भी कमजोर नहीं रह सकता, या ऐसे व्यक्ति पर मंगल कभी भी अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालता है, कभी भी मंगल ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करता है। जिस किसी भी व्यक्ति पर अगर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति पर मंगल कभी भी अपनी दृष्टि नहीं डाल सकता है, उसे परेशान नहीं कर सकता है। तो आपको हनुमान जी का यह उपाय करना है। इस उपाय के करने से आपका मंगल अपने आप अपनी दिशा बदल देगा और आपके मनचाहे कार्य होने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ का जो पत्ता आता है उसमें सीधी तरफ जो केसरी रंग का सिंदूर आता है उसे गीला कर लें आप पानी डाल करके, और उससे आप लिख दें ओम नमो हनुमते नमः। ये आपको लिखना है, 9 दफे लिखना है और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। ये क्रिया आपको 9 मंगलवार तक करनी है, सिर्फ मंगलवार मंगलवार के दिन ही करनी है। अगले मंगलवार को आप क्या करें कि एक नया पीपल का पत्ता लेकर के आए, उसमें यह चीज रख दे और जो पुराना वाला था उसे कहीं संभाल करके अपनी एक जगह पर रख ले। 9 दिन जब आप इस क्रिया को करेंगे, जब ये 9 पत्ते आपके पास में इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसे किसी हनुमान जी के मंदिर पे या किसी पवित्र जगह पर या कहीं जल प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर जो भी मंगल की कुदृष्टि होगी या आपका मंगल कमजोर होगा, ये सारी ही चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी, आपके भाग्य में परिवर्तन आ जाएगा। जो चीज़ के लिए आप अब तक प्रयत्न कर रहे थे फिर भी आप अपने खुद का घर मकान नहीं जुटा पा रहे थे, इसके लिए जब भी आप पैसा इकट्ठा करते थे वो पैसा खर्च हो जाता था, इस क्रिया के बाद इस उपाय के पास ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप प्रयत्न करेंगे अपने आप आपके पास में धन आना प्रारंभ हो जाएगा और बहुत जल्द आपका खुद का घर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्यकाश और अपने जन्म लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।